भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। ऐसे लोग तृणा बढ़ते। एक शक्तासुर भी ऐसा था, गाड़ी में प्रवेश कर गया और कृष्ण को पिचट देना चाहे। ये क्या चीज है? सारे शास्त्र को जानते हैं, वेद शास्त्र सब पढ़े हैं, विद्या भी बहुत है, किंतु भगवान का भजन नहीं करते, सार ग्रहण नहीं करते, बहुत शास्त्रों की पोथी को रस रखे हैं किंतु भगवान का भजन नहीं करते, नाम नहीं करते। ये सब शक्तासुर हैं, ये कपटी धूर्त लोग हैं। भगवान ऐसे लोगों को मार डालते हैं जो वेश बनाया भक्तों का और भजन नहीं करते, शिष्य का धन अपहरण करते हैं, उसके पापों को और उसके बुराइयों को नहीं हरण करते। ऐसे गुरु जो कपटी होते हैं, धूर्त होते हैं, भगवान उनका वध अपने हाथों से करते हैं, उसको नरक की यंत्रणा देते हैं। इसलिए पढ़ना ही और विद्वान होना ही बड़ी बात नहीं है। विद्वान होकर के ये समझे जी कृष्ण ही सब जगत के ईश्वर है, वो वही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। यदि ऐसा नहीं करते तो पढ़ना लिखना धन संपत्ति बेकार का है। जब कृष्ण 2.5-3 वर्ष के हुए तब घरों को मैं गोपियों के घर में आनंद देने के लिए घरों में घुस जाते टोली के साथ में और घरों से मक्खन चुराते, मक्खन नहीं उनका हृदय चुरा ले। न जाने कोटि कोटि वर्षों तक उन्होंने तपस्या की थी। जब कृष्ण हमारे घर में आए, हमारे लाला हूं, हमारा स्तन पान करें, हमारे घर में मक्खन चुराए, हमको लाड प्यार करें, इसलिए उनको घरों में जाते हैं। आप जानते हैं कि दुर्योधन के यहां तरह तरह के मेवा पकवान और तरह तरह के सब नहीं देखा, उनके तरफ में गए नहीं। और विदुरानी के पास में बोले मैया मुझे भूख लगी है और केले के छिलके को दे रही है और उसी को बड़े प्रेम के साथ में आरोग रहे हैं। ये प्रभु की है, प्रेम देखते हैं, उनको किसी वस्तु की कमी नहीं, इसलिए मक्खन चुराते नहीं, उनका दिल चुराने के लिए उन लोगों ने ऐसी आराधना की थी। उनके घरों में जाते और उनके घर से मक्खन चुराते, कोई गोपी उनको पकड़ लेती, अरे लाला तू मक्खन चुराता है, अरे मैया मैं कब चुराया, मैं तो समझा जे मेरी मैया का घर है, तू मेरी मैया है और तुम हमको चोर चोर पकड़ रही है, का करके मुस्कुरा देते और वो भी हंसने लगती, हाथ छुड़ा करके भाग जाते। कभी कोई एक गोपी और पकड़ लेती, देखिए आज आएगा लाला हम उसे पकड़ेंगे, उसे पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया, अरे मैया तुम मुझको क्यों पकड़ लिया, तो तुम अकेले ये चुरा के इसलिए रहा है, मक्खन चुरा रहा है, मांगा क्यों नहीं, अरे मैया मैं थोड़े चुरा रहा था मक्खन, अरे हमारा बछड़ा कहीं तुम्हारे इसी में बर्तन में कूद पड़ा है, तुम्हारे दधी के इस भांड खांडिया में, और मैं अपने बछड़े को खोज रहा था, बछड़ा तुम्हारा कैसे कूद गया, उन्होंने देखे कीजिए कैसे, बस हाथ लगा करके उसमें से एक मार्बल पत्थर का बछड़ा जो बाबा ने खेलने के लिए दिया था निकाल, देखो ये हमारा बछड़ा था, ये कूद गया था, हंसने लगती, ये भी हंसने लगते, बस भाग जाते। टोलियों के साथ में आते, किसी के घर में जाते और गोपी सवेरे में दधी मंथन कर रही और उसी के बेटे को कहते जाको बछड़े को खोल दे, वो बछड़ा खोल देता, बछड़ा दूध पीने लगता और कृष्ण वो जाकर के कहते तुम अपनी मैया से कहा जी बछड़ा खोल दिया, बछड़ा खुला हुआ है दूध पी जा, वो जाकर के कहता मैया जी ये बछड़ा सारा दूध पी गया, किसी ने खोल दिया। वो दौड़ करके जाती देखने के लिए उधर बछड़े को और इधर में अपनी टोली के साथ में दाम सिदाम सुदाम वसुदाम स्तो कृष्ण लवंग अर्जुन इत्यादि के साथ में घुट जाते और सारे मक्खन टक्खन जितना जा कुछ उजाड़ करके खाते हुए और हंसते हुए किल्लोली करते हुए ताली बजाते हुए मैया को दिखा करके भाग जाते। इस तरह से तरह तरह से कृष्ण ये नखड़े कर, एक दिन किसी गोपी ने उनके हाथ पकड़ लिए, बोले आज तुमको ले चलूंगी और मैया जसोदा के यहां दिखलाऊंगी कि तुम्हारा लाला इतना दुष्ट नखट हो गया है, इसका शासन करना चाह रहे तब पीछे बड़ा बड़ा होगा तो कितना भयंकर दस्यु डकैत होगा, आज मैं खुद लेकर के चलूंगी। वो सवेरे में भोर में
उस लाला को गोदी ले लिया और अपने अंचल से ढक करके गई। अरे सखीरी यशोदा मैयारी, देख तेरा लाला आज सवेरी उठ करके भोर में ही और हमारे घर में पहुंच गया और किस प्रकार से ये मक्खन चुरा रहा था, आज मैंने पकड़ा है, देखो तुम विश्वास नहीं करती, आज तुम खुद देखो। जब वो आई तो इसने गोदी से उतार करके यशोदा जी का उस सम्मुख देखना लगी, ये देखो इसके मुख में और हाथों में दर्दी लगी हुई है, ये थे मेरा बेटा। इतने में देखा क्या कि उसका बेटा, उसी का बेटा जो पकड़ करके लाई थी, कृष्ण यहां पर खाट पर पलंग पर सोए हैं। कृष्ण वहां से उठ करके कहते मैयारी, अरे मैं तो सो रहा था, मैं इसके घर में कब गया। और उसने खोल करके देखा यशोदा जी करी, अरे ये तो तुम्हारा बेटा, हमारा बेटा तो सोया हुआ है। ऐसे ऐसे लीलाओं को कर, तू झूठ बोल रही है। कृष्ण कहते ये देखो मैया, मैं झूठ बोल रही है, मैं तो यहां सोया था, अब कल से इसके घर में जरूर जाऊंगा। इस तरह से लीलाएं करते यशोदा जी सोच रही है घर में बैठी बैठी, क्यों ये चोरी करता है। बात तो ठीक है, ये चोरी करता है, किस लिए करता है। शायद हमारे घर में मीठा मक्खन नहीं निकलता, हमारे नौकरानी चौकरानी ये सब दधि मंथन करती है, मैं नहीं करती, इसलिए शायद ये खट्टा होता होगा, इसलिए बंदरों को खिला देता, अपने नहीं खाता, दूसरों के घर में जाता है। ठीक है, दासियों को भेज दिया और दीपावली के दिन में कहा जे सब लोग जाओ दीप जलाने के लिए, और उस दिन अपने हाथों से दूध काढ़ा और निकाल करके दधि आज बनाया अपने हाथों से मीठा, और भोर में 4 बजे ही बेटे को पलंग पर सुला दिया और आकर के दधि मंथन कर। यशोदा जी कितनी सुंदरी होंगी आप अनुमान कर सकती हैं, जिनका बेटा जगत में सबसे सुंदर, बस्तक छल चौड़ा, कमर एकदम पतली, मानो झुकती है तो टूट न जाए, बहुत ही अद्भुत सुंदरी, सिल्किन साड़ी पहनी है, मानो भीतर से उनके अंगों का सौंदर्य झांक रहा हो। और क्या कर रही, पड़े हाणी में मटकी में दधी बहुत, एक एक गाय ही कितना कितना दूध देती है, कितना दूध, बड़ी हड़िया लेकर के कल से और एक खंभे में रस्सी लगा दिया और उसको इस तरह से मंथन कर रही, घर घर कर रही। उसमें हाथ की चूड़ियां बज रही हैं मानो करताल, मीठा करताल, और जो दधि से मंथन कर रही है उसे जो शब्द उठ रहा है मानो मृदंग का पिछला भाग, धिक तान धिक तान, जो कृष्ण का भजन नहीं करते उनको धिक है, धिक्कार है, धिक्कार है, मानो इस तरह से। अब बड़ी सुरीली कंठ से, अद्भुत सुरीला कंठ, अद्भुत परिश्रम से पसीने के बूंदे माने मोती की बूंदे जैसे वो टपक रही हैं, केश खुल गया और केश में जो फूल गुथे हुए हैं माला गुथी है, धीरे 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 वो गिरने लगी और वो तन्मय होकर के क्या कर रही हैं, कृष्ण की बाल लीलाओं का स्मरण करती हुई और उसको गान करके तन्मय गा रही हैं। ऐसे ताल स्वर से सभी मिल करके उनके कंगन भी ऐसे बज रहे हैं, ध्वनि भी उठ रही है, ताल में ताल मिला करके, गोविंद दामो धर्माधवेती, गोविंद दामो धर्माधवेती, गोविंद दामो धर्माधवेती, गोविंद दामो धर्माधवेती, वो दुखलेशं घंटतंडुलांश संघंटयंतो मुसलै प्रमुग्धा गायन्ति गोप्य जनितानुराग, गोविंद दामो धर्माधवेती, गोविंद दामो धर्माधवेती, गोविंद दामो धर्माधवेती। तन्मय हो गई कृष्ण की बाल चरित्र स्मरण करते करते आंखों में आंसू की आगे छलकने लगे और तन्मय होकर के उनकी बाल लीलाओं का स्मरण कर रही, देख रही है क्या गोपियां खूब सवेरे में उठ करके
और अपने किसी एक तोते को पढ़ा रही। क्या पढ़ा रही है? गोविंद दामो तो चित्त उसका कहां है? कृष्ण के चरणों में, उन्हीं का चिंतन करते हुए झाड़ू दे रही है, कोई बहारू कर रही है, कोई पल्ले में बच्चे को थपथपती करके सुला रही है और बोल रही है क्या? गोविंद राम और इधर कृष्ण पलंग पर उठे, मैया को कृष्ण नंगे हैं बिल्कुल, अढ़ाई वर्ष के। अभी हमने देखा अभी 10 वर्ष 11 वर्ष के बच्चे हम लोगों के देहातों गांव में नंगे डोलते थे, लड़कियां डोलती थी। आजकल हम देखते हैं कि जहां लड़की भई बस उसको पैंटून पहना दिया, क्योंकि लोगों की दृष्टि इतनी दूषित हो चुकी है। बाप भी देखते हैं अपनी कन्याओं को देख करके कभी अपने सिर को खो देते हैं। काल कली है और उस समय में कृष्ण नंगे काजल लंबे लंबे मैया ने लगा रहा, किसी की नजर ना लग जाए, लंबे लंबे काजल। यहां पर भी एक काला बिंदु दे रखा है, यहां पर भी एक काला। एक तो कृष्ण सांवले नहीं है और सुंदर उसमें लगने लगा है। और वो आंखों को ऐसे करते हैं मैया को ढूंढे, मैया कहां गई, मैया कहां गई री, मैया कहां गई। और पलंग से उतरने की चेष्टा करते हैं, मैया को बुलाने का जानते हैं, बच्चों के लिए अस्त्र है रोना। रुलाइयां आने पर नहीं आने पर भी मैयारी मैयारी रो दे, बस मैया आ जाएगी, इसलिए वो रोने लगे। परब्रह्म होकर के उनको भूख लगी है। देखो तो कहीं परब्रह्म को भूख लगती है, भक्तों को ही तो भूख नहीं लगती। हमारे सुखदेव गोस्वामी को भूख ही नहीं लगती जन्म भर, सनक सनातन जी को भूख ही नहीं लगती, वो हवा भी नहीं लेते, झूने 6 महीने तक देखो कैसे कुछ नहीं खाया। और भगवान को भूख लग गई। हाँ भूख लगती है कैसे, जब भक्तों को ये हृदय में उत्कंठा होती है कि मैं भगवान की सेवा करूं और उनको खिलाना चाहती हैं, तो उनको भी भूख लग जाती है, नहीं तो भगवान को भूख नहीं लगती। जन्म नहीं है किंतु कोई यदि भक्त चाहता कि हमारा बेटा हो जाए तो बेटे के रूप में भी आ जाते हैं। कृष्ण अजन्मा है, अजय है, समस्त भगवानों के भी भगवान है। और आज ये गोकुल में यशोदा जी के लाला होकर के प्रकट हुए, ये प्रेम से, ऐसे नहीं और ये रो रहे हैं। यशोदा मैया सुन नहीं रही, बड़ी मुश्किल से पलंग से उतरे पेट के सहारे। जो विश्व ब्रह्मांड को कनिष्ठ अंगुली पर धारण कर सकते हैं, पृथ्वी को लेकर के अपने दांतों पर रख करके बराह रूप में दौड़ पड़े, गोवर्धन को अपने हाथों में उठाया, हिरण्यकश्यप को, हिरणाक्ष और रावण को मारा सहजी रूप में, और वे पलंग से नहीं उतर पा रहे हैं और रो रहे हैं दूध पीने के लिए, मैयारी मैयारी। और मैया सुन नहीं रही, मैया तन्मय होकर के वही गा रही है, गोविंद दामो धर्माधवेदी, गोविंद दामो धर्माधवेदी। दिखला रही है भजन करना बहुत कठिन नहीं है, कोई कठिन नहीं है। झाड़ू दे रही है अपने घर में, साफ कर रही है। और ये यदि कोई कह रहे ऐसे ही गोविंद दामो धर्माधवेदी, गोविंद दामो धर्माधवेदी, अपने बच्चे को भी पलंग पर सुलाओ, बस ऐसे करता रहो, काम में जा रहा हो, क्यों नहीं भगवान का चिंतन करते हुए और अपने काम में जाओ, बिजनेस कर रहे हो, क्यों नहीं कर सकते हो, इसमें क्या खर्च है। ऐसा कहने में भगवान इसी के द्वारा वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए भगवान को रिझाने के लिए सबसे यही उत्तम है कलिकाल में भगवान के नामों का बड़े प्रेम के साथ में कीर्तन किया जाए। देखो जो सही रूप में वशीभूत हो जाएंगे, और कब जो संसार को पार कर गए ये पता नहीं लगेगा, कृष्ण स्वयं दौड़ते हुए तुम्हारे पास में चले आएंगे। ये भजन का आज्ञा है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने जो कृष्ण ही स्वयं राधा जी के भाव को लेकर के प्रकट हुए, जगत में शिक्षा दी, यदि तुम सुखी रहना चाहते हो सहज सहज रूप में भगवान का नाम का कीर्तन करो, किंतु प्रेम से करो। इस प्रकार से जब कृष्ण
रोते रहे और मैया ने स्मित और निकट में आया और जोर से और रोने लगे। आज सचमुच में फिर आंखों में आंसू आ गए। मैया देखो बुला रहे हैं, मैया नहीं आ रही। एकदम निकट में आए और निकट आने के बाद ही में एक हाथ से दधि मंथन दंड को पकड़ लिया और एक हाथ से मैया का यहां पर पकड़ लिया। भैया देखा ये क्या हो गया, देख अरे ये तो लाला। देखते ही बड़े प्रेम से भर गई और बच्चे को गोदी में लेकर के बैठा लिया और अपने अंचल से ढक करके उसे स्तन दिया। उनकी स्तन में इतना दूध विश्व ब्रह्मांड का भरा हुआ है कि फिर समुद्र भी उसका एक ड्रॉप है ऐसा समझो, इतना बड़ा दूध कभी घट नहीं सकता। और पीने वाला कैसा है, जिसके पेट में असंख्य कोटि विश्व ब्रह्मांड है उसकी भूख कभी दूध पीने से कम सकती। इसलिए भूख भी ऐसी जिसका पेट भी ऐसा जिससे कोटि कोटि ब्रह्मांड उसके पेट में रह सकता है। और इधर यशोदा मैया के स्तन में इतना दूध जो लाख जन्म तक कृष्ण पीते रहे तो भी नहीं कम सकता। इसलिए दोनों में होड़ मच गई। और इतने में हुआ क्या, वहां पर एक आग पर रखा हुआ पास ही में दूध का बर्तन था, वो खोलने लगा और वो उथल उथल करके गिरने लगा। मानो दूध ही ये कह रहा है कि अरे मैया तेरा इतना दूध और कृष्ण की का पेट भी बड़ा, ये तो हजारों जन्मों में भी मैं उनकी सेवा नहीं कर सकता, हमको नहीं पिएंगे, इसलिए मुझे मर जाना ही अच्छा है। भगवान कम मिलते हैं, उनकी दया कब होती है, भगवान की दया नहीं होने पर, भगवान का दर्शन नहीं होने पर। भक्त कहता है जी हमारे जीवन का लाभ क्या यदि भगवान का भजन नहीं हुआ, उनकी कृपा नहीं हुई, किसलिए ये प्राण रखना यदि कृष्ण की सेवा इस जन्म में नहीं हो सकी, उनका दर्शन नहीं मिल सका। इसलिए प्राण रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसीलिए मानो वो दूध उफन करके आग में गिर रहा, यशोदा जी ने कहा नहीं नहीं बेटा तुम मरो मत, हम पहले कृष्ण को अभी रख देती हैं, पहले तुम्हारा सेवन कराएंगी, सुंदर सुंदर लड्डू बनाएंगी, मक्खन के वो लड्डू बनाएंगी और वही कृष्ण को खिलाएंगी, उसी से खीर बनाएंगी, तरह तरह की मिठाइयां बनाएंगी, कृष्ण को खिलाएंगी, इसलिए तुम घबराओ मत। इसलिए ऐसा सोच करके उस दूध की रक्षा करने के लिए यशोदा मैया कृष्ण को कहा जी यहां पर बैठ, देखो 7,000 हाथियों का बल वाली पुतना, जबकि कृष्ण उसके स्तन को पान कर रहे थे, जब चूसा घबरा गई, प्राण निकलने लगे, छटपट छटपट करने लगी और दोनों हाथों से 7,000 हाथियों का बल लेकर के अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, नहीं छुड़ा सकी। और कैसे छुड़ा सकती है, और ये यशोदा मैया एक हाथ से उठाया कृष्ण को बैठ, उनकी भगवत्ता की हैकड़ी निकल गई न जाने कहां, सर्वशक्तिमान भगवान है उनकी शक्ति सारी शक्ति धरी रह गई। और कृष्ण यशोदा जी ने एक हाथ से लेकर बैठ अभी कृष्ण कहा जी देखो तो मैया हमको दूध पिलाए बिना पेट नहीं भरा, ये दूध बड़ा हो गया, मैं छोटा हो गया, हमको छोड़कर गई, ऊ करके रोने लगे, सचमुच रोने लगे। देखो ये है भक्ति, भक्तों के सामने कृष्ण की हैकड़ी और भगवत्ता ये सब बल कुछ भी नहीं काम कर सकता। जिसके इच्छा सही असंख्य कोटि विश्व ब्रह्मांड को पलक लगते ही झपक लगते ही सृष्टि कर देंगे, उसका प्रलय संहार कर देते हैं। आज प्रभु भक्तों के यशोदा मैया के सामने उनका बल नहीं उछलक पड़ा और उनको वैसे बैठा दिया, कृष्ण असहाय बन गए और उनको क्रोध आया, कुछ क्रोध आया, दांत कर कड़ाने लगे और ऐसे जीव अपने दांतों से अपने होठ को पकड़ लिया, ओठ का कांप रहे, छोटे से बच्चे हैं ना, कांपने लगे। मैया देखो तो ऐसे दूध नहीं पिलाया चली गई, इसलिए सोचा जी अच्छा मैं इसको ये हड़िया को मैं उलाट लू सब गिरा दूंगा, तो उठ करके खड़े हो गए, रोना थोड़ा सा बंद कर दिया और ऐसा हिलाया कि उसको गिरा दे, किंतु यशोदा मैया का रखा हुआ वो नहीं, विश्व ब्रह्मांड को हिला देंगे और एक ये हड़िया नहीं उल्टी। तब उन्होंने एक लोढ़ा उठाया, लोढ़ा माने क्या, सिल पर पत्थर पर पीसने के लिए मसाला, आजकल की स्त्रियां नहीं जानती, पहले ऐसे लोढ़े होते थे पत्थर के,
खुरदुरे होते थे उसे मसाला पीसती थी, इसे ब्लड प्रेशर नहीं होता। 10 किलो का मुसल लेकर के दोनों हाथों से कूटती थी, कहां ब्लड प्रेशर है। अब वो तो जानती नहीं है ये मुसल किसको कहते हैं, ओखल किसको कहते हैं। इस तरह से वो लोहे को उठाया और झट अंत में उसके पीछे में मारा नीचे, जिससे कि सारा दूध और दही जो जमा हुआ था पिघल गया था मथने से, वो सारा बह गया। और कृष्ण देख रहे हैं जी, सर 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 ये सारा निकल रहा है। बड़ी उनको खुशी हुई और खुशी होकर के अब सोचा जैसा अच्छा ठीक है, अब मैया आएगी तो मारेगी, उनको डर भी है, ब्रह्म को डर होता है भगवान को, किंतु आज सचमुच में उनको डर हो गया, आज मैया नहीं छोड़ेगी, आज मरेगी। इसलिए जल्दी से वैसे ही नंगे घुटुर घुटुर करते हुए किसी प्रकार से निकल करके और एक घर में घुसे, देखते ही लोभ आ गया, ये यहां पर तो मक्खन टंगा हुआ है छिक्के में, छिक्का माने क्या वो बनाए जाते हैं रस्सियों से और उस पर रखे गए। प्रश्न देखा जी जरा ऊंचा है और सखा लोग तो है नहीं, तो उनको बैठा बैठा करके ऊपर में उठ जाता। इसलिए उन्होंने क्या किया, उद्धव एक ओखल पड़ी हुई थी, बस ओखल को उल्टी पड़ी हुई थी उस पर चढ़ गए और उसमें से मक्खन निकाल करके खा रहे हैं। इतने में उनके भाई बंदर सब जितने थे वो भी आ गए, उनको भी खिलाने लगे। इतने में काग घोषणियों का दल कौआ भी आ गया। सोचा जी आराम के लीला में हमने इन बंदरों को कुछ नहीं किया, हमारे लिए उन्होंने प्राण त्याग गया, हमारी पत्नी को खोजने में और उसके लिए युद्ध में अपने प्राण दिए, हमने कुछ नहीं खिलाया, अपने से जंगलों में कहां पत्ती और फल मूल खाया, अब इस जन्म में तो कुछ खिला दूं, इसलिए उनको खिला रहे हैं। और बंदर सब आकर उनके हाथों से ले रहे हैं, झपट रहे हैं, खा रहे हैं, किलकारी मार रहे हैं, और कौवे भी आ गए काग घुसुंड के और वो लोग भी खाने लगे, उनको भी दे रहे हैं, उनके हाथों पर चढ़ करके ले रहे हैं। और इतने में मैया जी लौट करके आई, अरे कहां गया लाला, देखा तो यहां है नहीं और ये दधी सब तो यहां पर फैला हुआ है। अच्छा बड़ा नटखट, सचमुच में नटखट है, ये गोपियां झूठ नहीं बोलती, ये बड़ा बहुत नटखट है, आज इसको दंड देना है। चोर अपने पीछे कुछ न कुछ छोड़ जाता है, जैसे कि पुलिस उसको पकड़ लेती है, तो उसने इतने ब्रह्मांड के ये होते हुए भी, इतने शक्तिमान और विचारवान होते हुए भी, कृष्ण ने अपने पैरों का छाप वहां पर छोड़ करके वो घर में घुसे थे। मैया ने सही अनुमान लगाया, ये इसी घर में घुसा है, और घुस करके देखा अरे ये तो फिर वही कर रहा है, हाँ? मक्खन को लेकर के लुटा रहा है, खा रहा है, बड़ा प्रेम से उनको दे रहा है, और इधर में देखता भी है तिरछी नजर से, सशंकित होकर के मैया तो नहीं आ गई। इतने में मैया ने एक बेंत उठाया और जल्दी से जैसे बिल्ली चलती है ऐसे चल करके घर के अंदर में झट प्रवेश करके कवाट के अंदर में छिप गई और देखा जी जल्दी से इसको पकड़ करके आज जरूर दंड दूंगी। इतने में जब ही घुसी तब ही कौवे सब टप टप इधर उधर भागने लगे और बंदर भी इधर उधर भागने लगे। कृष्ण देखा कि मामला क्या, बंदर क्यों भाग रहे हैं, बस झट इधर देखा तो देखा जी मैया बेत लेकर के एकदम पकड़ी, अब पकड़ी, बस एक अंगुल की दो अंगुल बाकी था, ऐसे झपटी और इतने में वो कूद करके भागा। अब वो राजमार्ग पर जोड़ा, सोचा कि मैया तो बड़ी लजाती है, पुरुषों के सामने आएगी नहीं, हम राजमार्ग पर निकल करके भागे मैया वहीं पर रह जाएगी। किंतु जसोदा मैया ने देखा जी आज सभी गोप लोग गए हैं गैयों को दूहने के लिए या इधर उधर, आज तुको पकड़ करके रखूंगा, मारूंगी जरूर। क्रोध और आ गया, किस पर क्रोध, पर ब्रह्म पर, नहीं जानती है ये ब्रह्म है। क्यों नहीं जानती, साधारण ज्ञानी लोग भी उनको जान जाते हैं, ब्रह्मा नारद इत्यादि जानते हैं ये ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, भगवान है। जोग माया जी उनके और कृष्ण के इन भावों को छिपा देती है कि भगवान ईश्वर है, कृष्ण है, छिपा देती इस भाव को, ये जोग माया का, नेत्र लीलाएं नहीं होंगी, जगत कुलों का उद्धार नहीं होगा। जसोदा जी चाहें तो कोटि कोटि ब्रह्मांड की रचना कर दें, किंतु नहीं करती, क्यों नहीं, तो फिर ये प्रेम का भाव नहीं होगा, ये लीलाएं नहीं हो सकेंगी। और कृष्ण जानते हुए भी कुछ नहीं बूझ रहे, समझ नहीं रहे, क्यों, जोग मैंने उनको भुला दिया कि आप ब्रह्म हैं, इसलिए ब्रज में ऐसी लीला कर रहे।
यशोदा मैया एकदम पहुंची, दो अंगुल भागा वो पीछे से दौड़ रही। किसी को पकड़ना है, एक चोर को पीछे से पकड़ना है तो क्या करना होगा? वो जितनी तेजी से दौड़ता है उससे अधिक दौड़ना पड़ेगा, नहीं तो चोर पकड़ में आएगा उससे और अधिक। माने क्या, कृष्ण का भक्तों के प्रति जितनी प्रीति है उससे भक्तों की प्रीति चौगुनी होगी, तब वो पकड़ में आएंगे, नहीं तो नहीं। फिर से समझो, भगवान के प्रति भक्त लोगों का भक्ति है और भगवान भी अपने भक्तों को प्यार करते हैं। यदि कृष्ण जितना हमें प्यार कर रहे हैं, भक्त भी उतना ही कृष्ण को प्यार करें, तो वो पकड़ में नहीं आएंगे। चोर भी उतना दौड़ रहा है और पकड़ने वाला भी तो नहीं आएगा, वो कभी इधर इधर से उधर उधर से उधर में निकल जाएगा। यशोदा मैया को उनकी अपेक्षा अधिक दौड़ना होगा। माने क्या है, कृष्ण अपने मैया को जितना प्रीति करते हैं उस हजार गुना यशोदा मैया कृष्ण को प्रीति करती हैं, इसलिए उनके कंट्रोल में आते हैं, बद में आ जाते हैं। इसलिए यशोदा मैया जब दौड़ने लगी, अच्छा देखें तू कितना दौड़ता है, आज तुझे पकड़ते थे रखूंगी, इसलिए दौड़ने लगी। कुछ स्थूल शरीर की है ना, और उम्र भी हो गई है, और बच्चा ये छोटा सा पड़ी नकद और तेजी से इधर का उधर भाग रहा, पीछा कर रही, फूल गिर रहे हैं, फूल गए हैं उनके बंधन, फूल कह रहे हैं मानो अरे मैया तू अकेले नहीं है, तू दौड़ हम भी तुम्हारे पीछे आ रहे हैं, इसलिए पीछे पीछे एक एक करके फूल दो गिर रहे हैं और उनको साहस दे रहे हैं। यशोदा मैया दौड़ने लगे, अंत में अपना डंडा उठा, देखो 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 अभी मारा ऐ देखो, तब तक कृष्ण ऐसे होकर के खड़े हो गए। यशोदा ने पूछा, अरे लाला तूने ये बर्तन को क्यों तोड़ा, क्यों तोड़ा? भैया हमने तोड़ा नहीं, मैंने नहीं तोड़ा। ये बंदरों को कौन मक्खन खिला रहा था? तो जिसने बंदरों को बनाया वो खिला रहा था। अच्छा जिसने बनाया तू ही बनाया ना क्या? जिसने बनाया वही खिला रहा है। अच्छा फिर उन्होंने प्रश्न किया, अरे हड़िया कैसे टूट गई? तो हड़िया कैसे टूट गई, ठीक ठीक बतला नहीं तो मारूंगी। अरे मैया देखो हमारा दोष नहीं, तू हमको पकड़ने के लिए दौड़ रही थी और उस समय तुम जब चली तो तुम्हारे पैरों में इतने मोटे मोटे सोने के जो कड़ुले हैं उससे ठक्कर लग गया और वो टूट गई, तो मैं क्या करूं? और तुम मुझको चोर कहती है, अरे हमारे वंश में कोई चोर नहीं, चोर होगा तो तुम्हारे ही वंश में। अर्थात यशोदा जी के मैया के माने कृष्ण के मामा के घर में एक व्यक्ति का नाम चोर था, तो इसलिए चोर घोष, तो इसलिए कह रहे हैं कि तुम्हारे वंश में होगा, हमारे नंद बाबा के वंश में कोई चोर नहीं। बड़ा ढीठ है, तो उत्तर प्रत्युत्तर करता है। फिर दौड़ी और अंत में उनको ऐसे कह करके आज देखो मारा, बस पकड़ लिया। अब तो रोने लगे, बेंत उठा, अब मारू। कृष्ण इधर भाग रहे हैं इधर भाग रहे हैं, किंतु ऐसे पकड़ रखा है जो ब्रह्म को नहीं छोड़ पाती, पर ब्रह्म की ये तो सब कुछ भूल गए हैं। अंत में जब खूब रोने लगे, मैया मुझे मत मार, मुझे मार, इनको दया। अच्छा मारूंगी नहीं, किंतु तुम्हें आज बांध करके रख दूंगा, ये कह करके उन्होंने कहा जैसे क्यों जरा ये रस्सी लाना, तो अपने यहां पर जो बांधने की थी, जो केश बंधन की रेशम की डोरी उठाया, वो करीब करीब दो हाथ तीन हाथ लंबी थी और कृष्ण की कमर कितनी थी, बस 12 अंगुल की, सोने की चेन उसमें बंधी हुई थी, बड़ी नहीं है बस इतने ही। एक बार बांधा तो वो पूरा नया दो अंगुल कम गया। जो सोचा ये कैसे हो गया, इतनी बड़ी हमारी रेशम की डोरी, दो हाथ की, एक गज डेढ़ गज, और ये बंद नहीं पा रहा है, दो अंगुल कम हो गई। सखियां और लाओ, और घर से रस्सी लाई, एक एक जोड़ने लगी, किंतु वही जब बांध करके करें तो बस दो अंगुल कम जाए, एक बार भी नहीं बन सका। क्यों नहीं बन सका? कृष्ण सोच रहे हैं भगवान है ना, यशोदा मैया बांध लेगी तो मैं बच्चों के साथ आज खेलने नहीं जा सका, कैसे खेलूंगा? और गैया रो रही होंगी, दूध नहीं देती है जब तक कि कृष्ण को ना देख लें। कृष्ण जब जाएंगे उनको देख करके अपने आप उनके स्तन से दूध गिरने लगता है, तो ये सब लीलाएं नहीं कर सकूंगी। इतने में जोग माया उनकी जो शक्ति है जो उनके अंदर में छिपी रहती है, वो आकर के ऐसा कर दिया, रस्सी बढ़ने लगी, मीलों तक बढ़ गई, सारे नंदगांव की जितनी रस्सी थी सब लाई गई गोकुल की,
किंतु दो आंगुल प्रत्येक बार भी कम पड़ जाते, एक बार भी नहीं बदी। गोपियां थाली बजा करके हंस रही हैं, अरे जी ब्रह्मा जी ने जिसके लड़ाक में बंडन ने लिखा तो उसका क्या बांधेगी, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, तुम्हारा लाला है, तुमको तो दया होनी चाहिए, ये तुम्हारा बुढ़ापे का ये बेटा है और तुम उसको ऐसा कर रही हो, छोड़ो छोड़ो। नहीं, आज इसे मैं शिक्षा दूंगी, हमारे पेट से निकला अब उसे नहीं बांध सकूंगी, आज भले ही जो कुछ हो जाए, आज एक दिन में नहीं दो दिन में दस दिन में बीस दिन में बांध करके रहूंगी। बांधने लगी, कृष्ण ने देखा जी मैया के पसीने से तरबर हो गई, मैया का चेहरा लाल पीला हो गया, सोच रहे हैं कि आज मैं सखियों को क्या उत्तर दूंगी, हमारा बेटा मैं इसको नहीं बांध सकती। भीतर ही भीतर उन्होंने प्रार्थना, हे नारायण हे सावरग्राम शिला जी, मैंने आपकी पूजा की, मैं कैसे मुख दिखाऊंगी, मैं अपने लाला को बांध नहीं सकती। इतने में कृष्ण ने देखा मैया का परिश्रम और झट उनकी जोग माया शक्ति हट गई और केवल एक ही रस्सी बांधने की जो थी उसी से बंधन में उसको बांध करके ओखल में बांध दिया। कृपया आशीष बंधने उनका परिश्रम देखा, यहाँ पर यह तात्पर्य है कोई भी अपने परिश्रम से साधन से भगवान को बांध नहीं सकता या उनको दर्शन नहीं कर सकता, अपने परिश्रम से नहीं होगा। जब आप उनके प्रति शरणागत हो जाएंगे तो भगवान आपके साधन का परिश्रम दे करके अपने आप बंध जाएंगे, फिर बांधने की जरूरत नहीं। इसलिए सब कुछ छोड़ करके प्रार्थना करो उनसे, हे प्रभु आप अपनी भक्ति प्रेमा भक्ति दीजिए, अपने आप बंध जाएंगे। इसलिए जब तक कि साधन में परिश्रम नहीं करेंगे ऐसे नहीं भगवान मिल जाएंगे, और साधन लाखों करने पर भी नहीं मिलेंगे जब तक कि परिश्रम देकर के भगवान द्रवित न हो जाएं और वो कृपा करके अपने आप बंधन को स्वीकार नहीं करें। इसलिए इसमें दो शिक्षा है, एक शिक्षा अपना साधन करना होगा किंतु ये भी समझना होगा हमारे साधनों से नहीं बंधेंगे, ये कैसे बंधेंगे, प्रेम से ही बंध सकते हैं कृपा करके, इसलिए हेतु की कृपा करें, ये प्रार्थना करें जिसे भगवान हमारा परिश्रम दे करके अपने आप बन जाए। चैतन्य महाप्रभु के समय में एक विचार ऐसे ही उठा था, महाप्रभु जी ने कहा एक बंदर होता है एक बिल्ली होती है, एक मार्जार न्याय और एक मरकट न्याय, मरकट माने बंदर। जैसे बंदर कहीं जाना होगा तो उसकी मैया खड़ी हो जाएगी, बैठ खड़ी हो जाएगी।